आज हम पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन। अब पढ़ेंगे हम आइन प्रत्यय लगा करके कैसे शब्द को, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करें। जैसे कि चौधरी, चौधरी शब्द के अंत में जब हमने आइन प्रत्यय को लगाया तो बन गया चौधराइन। चौधरी शब्द का प्रयोग हमेशा पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है और चौधराइन का शब्द का प्रयोग हमेशा स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही ठाकुर, ठाकुर शब्द के अंत में जब हमने आइन प्रत्यय को लगाया तो बन गया ठकुराइन। ठकुराइन शब्द का प्रयोग हमेशा स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि हमें स्त्रीलिंग होने का बोध करा रहा है। इसी प्रकार से ठाकुर, ठाकुर शब्द का प्रयोग हमेशा पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने आइन प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग को किसमें परिवर्तित किया, स्त्रीलिंग में। ऐसे ही हम शब्द के अंत में वान या बान के प्रत्यय को हटा करके उसके स्थान पर वती लगा करके हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि गुणवान, गुणवान प्रयोग शब्द का प्रयोग हमेशा पुरुष शब्द के लिए, पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम बहुत गुणवान है, तो राम क्या है बच्चों, एक पुरुष है, तो उसके लिए हमने प्रयोग किया गुणवान। जब हमने गुणवान के अंत में से वान को हटा दिया और उनके स्थान पर वती प्रत्यय को लगाया तो बन गया गुणवती। इसी प्रकार से बलवान, बलवान शब्द का प्रयोग हमेशा पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मोहन बहुत बलवान है, तो मोहन क्या है, मोहन एक पुरुष है, जिसके लिए हमने प्रयोग किया है बलवान शब्द को। जब हमने बलवान शब्द के अंत में से वान प्रत्यय को हटा दिया और उसके स्थान पर क्या लगाया, वती प्रत्यय को लगाया, तो बन गया बलवती। बलवती प्रयोग शब्द का प्रयोग हम स्त्री जाति के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया। ऐसे ही भाग्यवान, भाग्यवान का प्रयोग हमेशा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुष के लिए। भाग्यवान के अंत में से जब हमने वान प्रत्यय को हटा दिया और वती प्रत्यय को लगा दिया तो बन गया भाग्यवती। और भाग्यवती का प्रयोग हमेशा स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने वान प्रत्यय को हटा करके तथा वती प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया। ऐसे ही शब्द के अंत में से मान प्रत्यय को अगर हम हटा दें और उसके स्थान पर लगा दें मति, तो बन जाएगा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। जैसे श्रीमान, श्रीमान शब्द का प्रयोग हमेशा पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि श्रीमान आप यहाँ आइए, या श्रीमान मोहन आप यहाँ आइए, तो मोहन शब्द क्या है, एक पुरुष है, जिसके लिए हमने प्रयोग किया है श्रीमान, जो कि एक आदर सूचक शब्द है। ऐसे ही जब हम श्रीमान शब्द के अंत में से मान को हटा दें और उसके स्थान पर लगा दें मति, तो बन जाएगा श्रीमती। श्रीमती का प्रयोग हमेशा स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा इस प्रकार से हमने श्रीमान के अंत में से मान प्रत्यय को हटा करके मति प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया। दूसरा उदाहरण, जैसे कि बुद्धिमान,
जब हमने बुद्धिमान शब्द के अंत में से मान प्रत्यय को हटा दिया और उसके स्थान पर क्या लगाया? मति प्रत्यय, तो बन गया बुद्धिमति। बुद्धिमति का प्रयोग हमारे द्वारा स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा इस प्रकार से हमने आयन प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग को किस में परिवर्तित किया? स्त्रीलिंग में। और वाचक के स्थान पर वती प्रत्यय लगा करके हमने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया। तथा इसी प्रकार से हम मान प्रत्यय के स्थान पर मति प्रत्यय को लगा करके पुल्लिंग को किस में परिवर्तित कर सकते हैं? स्त्रीलिंग में। ऐसे ही शब्द के अंत में जब ता लगा हो और उसके स्थान पर हम त्री लगा दें तो बन जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे कि नेता, नेता शब्द का प्रयोग हमेशा पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है और नेता शब्द के अंत में से अगर हम ता को हटा दें और उसके स्थान पर क्या लगा दें? त्री प्रत्यय, तो बन जाएगा नेत्री। और नेत्री शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही दाता, दाता शब्द का प्रयोग किया जाता है पुरुष के लिए। जैसे राम बहुत बड़ा दाता है, तो दाता क्या हुआ? एक पुल्लिंग शब्द हुआ। जब हमने इसके अंत में से ता को हटा दिया और उसके स्थान पर त्री लगा दिया तो बन गया दात्री। और दात्री का प्रयोग होता है स्त्री के लिए। बच्चों, दाता शब्द का अर्थ है जो दान देने वाला है और दात्री जो दान देने वाली है। इस प्रकार से हमने ता को हटाकर त्री प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया। ऐसे ही अगर शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगा है तो हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग शब्द के पहले अगर हम मादा शब्द लगा दें तो बन जाएगा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। जैसे कि खरगोश, खरगोश शब्द का प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। जब हम इसके पूर्व में मादा शब्द को लगा देंगे तो बन जाएगा मादा खरगोश, जो कि एक स्त्री के लिए बोध किया जाता है। तथा मादा खरगोश क्या बन गया? एक स्त्रीलिंग शब्द बन गया। कि भालू, भालू शब्द के पूर्व में जब हम मादा शब्द को लगा देंगे तो बन जाएगा मादा भालू। तो इस प्रकार से हमने मादा शब्द को पूर्व में लगा करके पुल्लिंग को किस में परिवर्तित किया? स्त्रीलिंग में। ऐसे ही कुछ शब्द भिन्न होते हैं, जैसे कि कवि, कवि शब्द का प्रयोग किया जाता है पुरुष के लिए, लेकिन कवयित्री शब्द का प्रयोग हमेशा स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महादेवी वर्मा बहुत बड़ी कवयित्री हैं। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं कवि और स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है कवयित्री। ऐसे ही मर्द, मर्द शब्द का प्रयोग, जैसा कि हम सब जानते हैं, मर्द शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पुरुष का, पुरुष के लिए। और औरत शब्द का प्रयोग औरत के लिए, तो मर्द का लिंग परिवर्तित हो जाएगा औरत में। ऐसे ही विद्वान, विद्वान होते हैं पुरुष, जो पुरुष बहुत बड़े ज्ञानवान होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है विद्वान शब्द का। और जो स्त्रियां बहुत बड़ी ज्ञानवान होती हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं विदुषी। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है विद्वान शब्द का प्रयोग और स्त्रीलिंग, स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है विदुषी शब्द का प्रयोग। तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को कैसे परिवर्तित करना चाहिए।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नए वीडियो लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें।